भर के कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारियों ने एमडीए से निकाले गए 110 कर्मियों को इंसाफ दिलाने के लिए फिर आवाज बुलंद की। मुरादाबाद कर्मचारी समन्वय समिति के तत्वावधान में काट रोड स्थित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण दफ्तर से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक बाइक रैली निकाली। इस दौरान कर्मचारियों ने 110 परिवारों की रोजी रोटी छीने जाने को लेकर अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले भर के कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी मुरादाबाद कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले एमडीए दफ्तर पर इकट्ठे हुए। दोपहर तक कार्यालय के बाहर धरना देने के बाद उन्होंने पैदल मार्च एवं बाइक रैली निकाली। इसमें एमडीए से निकाले गए कर्मचारियों की पत्नी तथा बच्चे भी शामिल थे। ये रैली कमिश्नर दफ्तर पर प्रदर्शन में बदल गई। कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि एक तरफ सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, रैली कर्मचारियों को विनियमित करने का शासन आदेश जारी किया गया। एमडीए ने नियम विरुद्ध 110 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति करके उनके परिवारों से आजीविका का सहारा छीन लिया गया। ऐलान किया गया कि इन कर्मचारियों की बहाली नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 18 जनवरी से सभी विभागों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा और संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई उपयुक्त निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में 22 जनवरी से जिले के सभी विभागों में बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। समन्वय समिति के सचिव सुभान अली ने ऐलान किया कि सेवा बहाल होने पर ही आंदोलन खत्म होगा। कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया। संदीप जी, आज जो धरना का मतलब क्या हुआ है, 110 कर्मचारियों को दिया और आज कमिश्नर साहब के पास आया, क्या वजह है? 110 कर्मचारियों को प्राधिकरण के 110 कर्मचारी की वहाँ से माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कारण निकाले, शासनादेशों के विपरीत जाकर, सरकार की मंशा के विपरीत जाकर। सरकार की मंशा है कि इस प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। सरकार की मंशा है कि इस प्रदेश के जितने भी विभागों में दैनिक और वर्चार्ज कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। सरकार ने सन 1991 से लेकर सन 2001 तक के कर्मचारियों को नियमित करने का शासनादेश किया है। इन 110 कर्मचारियों को नियमित करे जाने की फाइल शासन में चल रही है। यही इसी प्राधिकरण के बोर्ड से इन कर्मचारी को नियमित करने का प्रस्ताव शासन में भेजा गया है और वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय अकारण शासनादेशों के विपरीत जाकर, सरकार की मंशा के विपरीत जाकर 110 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दे बैठी। प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा 12 दिन से आंदोलन किया जा रहा है। आज मुरादाबाद कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले मुरादाबाद जनपद के समस्त राज कर्मचारी, निगम के कर्मचारी, शिक्षण स्तर कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। मैं समन्वय समिति का अध्यक्ष होने के नाते आज हमने घोषणा की थी कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर हमारे मुरादाबाद के समस्त विभागों के राज कर्मचारी एक दिवसीय धरना देंगे और धरने के पश्चात माननीय आयुक्त महोदय जी को रैली के माध्यम से ज्ञापन देंगे। हमने वहां धरना दिया, विशाल धरना दिया, माननीय आयुक्त महोदय जी को रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया और माननीय आयुक्त महोदय सहित समस्त जिला प्रशासन के अधिकारी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया ज्ञापन के माध्यम से कि यदि इन 110 कर्मचारी को जिनको नियम विरुद्ध और शासनादेशों के विपरीत जाकर निकाला गया है, एक अधिकारी द्वारा अपनी हठधर्मिता के साथ उनको निकाला गया है, उन 110 कर्मचारी की सेवाओं को यदि बहाल नहीं किया गया तो आने वाली 18 तारीख से 18 जनवरी से इस जनपद के समस्त राज्य कर्मचारी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। 18 जनवरी से 21 जनवरी तक इस जनपद के प्रत्येक विभाग के कर्मचारी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे और तब भी यदि 110 कर्मचारी की सेवाओं को बहाल नहीं किया गया तो दिनांक 22 तारीख से इस मुरादाबाद जनपद के समस्त राज्य कर्मचारी, निगम के कर्मचारी, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हासिल हुआ है मुझे कि सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने मुझे इस लायक समझा कि कर्मचारियों की लड़ाई मैं लड़ूं। पिछले 12 दिन से डीसी महोदया निरंतर देख रही हैं कि धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, 110 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया। उनके परिवारों की जो स्थिति मैं पिछले 12 दिनों से देख रहा हूं, अभी भी यहां मंडल आयुक्त महोदय के दफ्तर के आगे एक औरत बेहोश हो गई, उसी कर्मचारी की पत्नी। वहां 6-6, 7-7 साल के मासूम बच्चे, वहां उनके पेट पे लात मार दी गई है। पूर्व और राक्षस विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष महोदया के द्वारा उनको जरा सा भी एहसास नहीं कि इनका घर परिवार 110 परिवारों को उन्होंने बर्बाद करके फेंक दिया है। 12 दिन से उनकी स्थिति बिल्कुल खराब है। मैं आघात हूं इस निर्णय से। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के पद पर असीन हूं, अध्यक्ष की हैसियत से, समन्वय समिति के जिला महासचिव की हैसियत से, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
डीसी महोदय को, जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं कि 22 तारीख के बाद, 22 तारीख से पहले पहले अगर 110 कर्मचारियों को वापस नहीं लिया तो 22 तारीख के बाद मैं अपने कार्यालय 22 तारीख को स्ट्राइक है और 22 उसके बाद भी निर्णय नहीं होता है तो मैं अपने विभाग के प्रांगण में जब तक 110 कर्मचारियों की वापसी का पत्र नहीं देख लूंगा मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं इतना आघात हूं, मुझे उन मासूम बच्चों के आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। अब ये लड़ाई विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की नहीं है, अब ये लड़ाई तमाम ही मंडल के कर्मचारियों की लड़ाई है और इसमें हम लोग किसी भी कीमत पर खामोश बैठने वाले नहीं है। मुरादाबाद की जनता से मैं अपील करूंगा कि इस पुर और राक्षस वीसी महोदय की वजह से आपको बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। मैं कर्मचारी संगठन और समन्वय समिति के महासचिव होने के नाते जनता से माफी मांग रहा हूं कि ये जो समस्या पैदा होगी, सफाई व्यवस्था बंद होगी, स्वास्थ्य सेवाएं बंद होंगी, पानी की सप्लाई बंद होगी, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी मजबूरी नहीं है, ये शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है, ये घर परिवारों का मामला है, रोटी रोजी का मामला है, पेट का मामला है, मासूम बच्चों का मामला है, 25-25 साल नौकरी करने के बाद उन्हें कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देगा। इसी क्रम में मैं आपको स्पष्ट मीडिया के माध्यम से पुनः जिला प्रशासन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रशासन को सीधा चेतावनी दे रहा हूं कि 22 से पहले पहले इस 110 परिवारों को वापस ले लें।